तो आज का जो वर्ड है दोस्त, हम बात करेंगे डेमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन पे। डेमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन पे क्या करेंगे, बातचीत करेंगे। और इसमें जैसे है आपका दिस, दैट, दीस, दोस, ये सारे जो वर्ड होते हैं इशारा, इंडिकेटिव प्रोनाउन के नाम से भी क्या इन्हें जाना जाता है। इस पे हम क्या करेंगे, बातचीत करेंगे और बहुत सारी इंफॉर्मेशन, लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन वी आर आई एम गोइंग टू शेयर विद यू गाइस, बट यू हैव टू लिसन केयरफुली। नाउ यू हैव टू फॉलो प्रैक्टिकली इन योर लाइफ। डेफिनेटली यू आर गोइंग टू लर्न सम एडिशनल सम थिंग्स हियर, सो बिलीव मी गाइस, यू विल गेट हियर। आज का जो दिस दैट, अगर मैं बात करूं दोस्त, देखिए दिस, THIS, दिस की अगर मैं बात करूं, दिस और दैट, एक क्या होता है, सिंगुलर है, जो क्या करता है, सिंगल चीज़ों की तरफ क्या करता है, डिनोट करता है। दीज आर डिनोटिंग टू और दिस सिंगल थिंग्स की तरफ क्या है, चीज़ों को इशारा करता है। अगर हमारे पास कोई नज़दीकती चीज़ होती है दोस्त, दिस और इसी का भाई क्या होता है, दीज, THIS, दिस। दिस मीन्स क्या होता है, यह। और इसी की अगर हम प्लूरल मोर देन वन की तरफ जाएँ, यानी जमा लेके जाएँ, तो दीज हो जाता है THESE, दीज। तो दिस मिस क्या होता है, या दिस मिस क्या होता है, या सब हो जाता है। और अगर मैं बात करूँ क्या, दैट, दैट मिस होता है वाह। और इसी तरीके से मैं कहूँ दोस्त, THOSE, दोस्त, दोस्त मतलब क्या होता है, दोस्त, वाह, सब। आइए एग्जांपल के थ्रू इसको क्या करते हैं, समझते हैं और सीखने की क्या करते हैं दोस्त, कोशिश करते हैं। बड़ा ही आसान चैप्टर है, लेकिन स्पोकन में क्या होता है, अक्सर और बेशतर ऑफन क्या है ना, वी नीड टू यूज दीज थिंग्स राइट, इफ वी आर स्पीकिंग एनी वेयर, वी आर टॉकिंग, वी आर इंटरेक्टिंग टू ईच अदर राइट। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन, टुडेज शो गाइस। तो दिस मैंने बताया दोस्त, THIS, दिस मतलब होता है या, जो क्या करता है, नज़दीक, यानी क्या करता है, नियर की चीज़ों की तरफ क्या करता है, इंडिकेट करता है, शो करता है, जिसके लिए यूज़ किया जाता है। और बड़ा ही आसान होता है, अगर मैं कहूँ, कई तरीके से स्पोकन में यूज़ किया जाता है। जैसे मैं कहूँ या एक क्या है, कार है, या एक कार है, तो क्या हो जाएगा, दिस, पहले दिस आएगा और उसके बाद टेंस के मुताबिक आपको क्या करना, ऐड करना, और आपको पता है यहाँ इज आएगा, सबको पता है। तो क्या हो जाएगा, या एक कार है आ रहा है, लास्ट में देख लीजिए हमारा दिस क्या है, वाहिद है। दिस क्या है, सिंगल चीज़ों की तरफ डिनोट कर रहा है, बता रहा है कि या एक कार है, एक कार की बात हो रही, तो मैं क्या लगाऊंगा, और नज़दीक है दोस्त, क्या हो जाएगा, दिस एक है, इज, दिस इज अ कार, दिस इज अ कार, या एक क्या है, कार है। मैंने बोला क्या कि, और अब तो क्या होता है, अगर हम अपना नाम बताएं, जैसे हम नाम बता दें दोस्त, माई नेम इज़ फ्रीज, या माई नेम इज़, जो भी हमारा नाम होता है, तो हम कहते हैं दिस इज़ हफीज, यानी अपने लिए इंडिकेट करते हैं, बताते हैं, यानी आपके सामने जो बंदा खड़ा है, जो कुछ कहना चाहता है, जो रिकमेंड करना चाहता है, दिस इज़ हफीज़, दिस इज़ राम, दिस इज़ आमिर, जो वट यूर नेम है, क्या करते हैं। तो दिस दैट हमारे आंखों के सामने जितनी सारी चीज़ें दिख रही हैं, हमको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, आगे मैं बता रहा हूँ दोस्त। तो आगे अगर मैं कहूँ, अब इसी का बहुवचन, यानी एक से ज़्यादा, मैं कहूँ क्या, ये सब क्या है, चार कारें हैं भाई, चार हैं, एक जैसी हैं, बड़ी शानदार कार है, चलने में बेहतरीन है, एकदम चलती है, सब लोग कार खरीदना चाहते हैं, तो क्या हो जाएगा, दीज आर, अब ये सब चार क्या है, गाड़ियाँ, तो क्या हो जाएगा, दीज आर फोर कार्स, अब दीज आर फोर कार्स हो जाएगा। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आएगी, मेरे को दिस इज़ अ चेयर, या एक कुर्सी है, तो क्या हो जाएगा, दिस इज़ अ चेयर, या एक घर दोस्त, क्या हो जाएगा, दिस इज़ अ हाउस, या एक किताब है, तो क्या हो जाएगा, दिस इज़ अ बुक, कुछ भी, बहुत सारी चीज़ें हम क्या कर सकते हैं दोस्त, बता सकते हैं। हम घर के सामने जब घर में बैठे हुए होते हैं, या कोचिंग में कहीं भी होते हैं, हमारी आंखों के सामने जो सारी चीज़ें होती है, बड़ी आसानी से हम दिस दैट की मदद से, विद द हेल्प ऑफ दिस एंड दिस दैट और दोस्त की सहायता से क्या कर सकते हैं, वी कैन मेंशन, वी कैन स्पीक, वी कैन यूज़, यूटिलाइज इन आवर स्पोकन। बहुत सारी चीज़ें आपको दिख रही है दोस्त, कैसे मैं कहूँगा, ये सार चार कुर्सियाँ हैं, तो क्या हो जाएगा, दीज आर फोर चेयर्स, ये सब क्या है, चार बेंचेस है, दीज आर फोर बेंचेस, मैं कहूँ क्या, ये सब चार लड़कियाँ, दीज आर फोर गर्ल्स, ये सब क्या है, चार टीचर, दीज आर फोर टीचर्स, दीज आर फोर, ये सब चार दुकानें हैं दोस्त, क्या हो जाएगा, दीज आर फोर शॉप्स, दीज आर फोर शॉप्स हो जाएगा। मैं क्या कहूँ कि ये सब क्या है, पाँच कॉलेज हैं, तो क्या हो जाएगा, दीज आर फाइव कॉलेज, ये सब दस किताबें हैं, तो दोस्त क्या हो जाएगा, दीज आर 10 books, बहुत सारी एग्जाम्पल हम। अब दैट की तरफ अगर मैं मूव करता हूँ दोस्त, वी आर गोइंग टू मूव दैट विच इज़ इंडिकेटिंग, विच इज़ डिनोटिंग टूवर्ड द फॉर, कोई चीज़ हमसे क्या होती है, दूर होती है, वहाँ पे कोई मेजरमेंट की चीज़ नहीं है कि हम नाप के बताएंगे दोस्त। जो चीज़ आपको नज़दीक लग रही है दिस, और जो आपको लग रहा है दैट, वाक मैं कह सकता हूँ दैट, दोनों अलाउंडर सेंटेंस है। दिस और दैट की खसूसियत है, लिविंग और नॉन लिविंग, यानी निर्जीव सजीव, जानदार और गैर जानदार, सबके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।
दिस और दैट, लेकिन दिस दैट एक ऐसा क्या है, पर्सनल एक ऐसा क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है और साथ में क्या एडजेक्टिव दोनों है। बड़ी ही शानदार बात है अगर मैं बात बताऊँ, यानी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के साथ साथ दोस्त क्या करता है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है। दोनों पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्या होते हैं, पोर्शन होते हैं, जो मैं आपको क्या करूँगा, शेयर करूँगा, बताऊँगा, ध्यान से आप लोग समझिएगा। अब दैट की मैं बात करूँ, दोस्त जो दूर लगता है मेरे को, क्या वही चीज़ें दैट पे अप्लाई हो सकती है। मैंने कहा वो दैट इज़ अवर मेरी बाइक, क्या हो जाएगा, दैट इज़ माई बाइक, वह मेरा घर है दोस्त, क्या हो जाएगा, दैट इज़ माई हाउस, वह मेरे टीचर है, क्या हो जाएगा, दैट इज़ माई टीचर, वह मेरे क्या है, पापा हैं, तो क्या हो जाएगा, दैट इज़ माई फादर, दैट इज़ माई फादर। अगर अंग्रेजी की हम बेस जानना चाहते हैं, हमको समझना चाहिए क्या होता है फर्क। जैसे मैंने कहा कि एक कार पुरानी है तो क्या हो जाएगा, दिस कार इज ओल्ड, किस तरीके से, एक कार पुरानी है तो क्या हो जाएगा, दिस कार इज ओल्ड। यहाँ देखिए दिस जो आया है दोस्त, वो कार के तुरंत पीछे लग के आया है, इसको हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं, एडजेक्टिव, क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। लेकिन अगर मैं दिस को प्रोनाउन के तौर पे यूज़ करूँ कि यह एक कार है या एक पुरानी कार है, तो क्या हो जाएगा, दिस इज़ एन ओल्ड कार। यहाँ देखिए दिस अकेले आया, सिंगल आया है, सिंगल आना इस बात की क्या है, साइन है कि ये क्या है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव नहीं है। तो ऐसी ये तो बड़ी सिंपल पहचान, अगर आप कहोगे दिस कार दिस के तुरंत, जस्ट इमीडिएट यू आर गोइंग टू यूज एनी नाउन, राउ इट्स एडजेक्टिव, क्या हो जाएगा, दिस कार इज ओल्ड, यहाँ पे दिस एडजेक्टिव है, लेकिन दिस के बीच में अगर आप क्या कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। बड़ा आसान तरीका है, तो दोनों तरीके से स्पोकन में यूज़ होता है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरीका सही आप यूज़ कर सकते हो। दिस कार इज ओल्ड भी कह सकते हो, दिस इज एन ओल्ड कार ऐसे भी कह सकते हो, फर्क है ग्रामेटिकल पोर्शन में, जो हमें जानना चाहिए। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि बातें आपको समझ में आ रही, मैं कहना चाहता हूँ इसी तरीके से दिस दैट दिस दोस्त के अलावा दिस वन का भी प्रयोग किया जाता है, दैट वन का भी प्रयोग किया जाता है, ये भी क्या होता है, इस वन ये बहुत यूज़ करते हैं, कॉमन सी चीज़ है। दोस्त हम जाते दुकान वगैरह पे होता है, कहते भाई ये वाला मुझे दिखाइए, दिस वन इज प्लीज, दिस वन शो मी, दैट वन वो वाला मेरा है, दैट वन इज माइंड कहते हैं, ये वाली मेरी है तो दिस वन इज माइंड, दिस वन इज माइंड, ये वाला मेरा है तो क्या हो जाएगा, दिस वन इज माइंड, ये वाला तुम्हारा है तो दिस वन इज़ योर, वो वाला क्या है उसका है तो दैट वन इज़ योर हिज, इस तरीके से हम बोलते हैं। तो दिस वन दैट वन का भी हम क्या करते हैं, दिस और दैट के साथ क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारा सेंटेंस क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, और बहुत सारी जगहों पे दिस और दैट को क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। बस प्रैक्टिस आपको दो घंटे लगातार प्रैक्टिस करना है, ऐसा प्रैक्टिस करना है कि इफ़ एनीवन इज़ लुकिंग यू ना, ही शुड रियलाइज really you are speaking English, just you have to, I am going to tell you guys how you have to practice continuously, half hours, 1 hour you have to practice, 2-3 days continuously, now you have to try to use, these are very basic word, but if you are not using, if you are not utilizing by your mouth so easily, you cannot get while speaking, right, are you getting guys, just this is a card, if you visit your home where you are living, so I think that you have lots of things there, so just you have to think, you have to realize in your mind guys, you have to say in English, just this is my pen, just like this is my pen, that is your pen, this is my house, these are my books, this is my bag, these are my pens, that is my bike, this is my mobile, these are my mobiles, these are my books, that is my pen, that is my room, that is my car, that is my house, that is my brother, that is my sister, this is my mother, this is my father, this is my dress, these are my dresses, these are my products, these are my okay, things. So whatever things you have, you can, if you go out of house now also, you get this is a tree, that is a house, this is a school, this is my farm, this is a farm, this is a garden, that is my friend, that is a shop, that is a car, that is a right tower, whatever you look, you can explain. तो दोस्त मुझे उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी, बहुत बेसिक है जो उस पर मैंने कहा क्या काम करना चाहा, और आप लोग इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए, कंटिन्यू यू शुड राइट कैरी ऑन योर प्रैक्टिस, डेफिनेटली यू विल गेट रिजल्ट वेरी सून। थैंक यू वेरी मच फॉर कनेक्टिंग टू मी, फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, सी यू मी टुमारो, टेक केयर, नाइस, थैंक यू वेरी मच।